ये हाईवे पे एक इनकी संपत्ति थी जो इन्होंने अपने माँ राबिया बेगम के नाम से क्रय किया था, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पे आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है और इसमें एक धार्मिक स्थल स्थित है, उसके जो आराजी संख्या 869 में है उसके 20x12 का जो क्षेत्र है उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हम कुर्क नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा क्षेत्र कुर्क किया जा रहा है। किसके नाम से सर, किसके नाम से ये जमीन थी और कब ये मुख्तार के आरा वसीयत के आधार पे मुख्तार के पुत्रों के नाम आ गई है ये संपत्ति। कौन है सर पुत्र उनके? उनके पुत्र हैं अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। इनके पहले भी कार्रवाई सर की गई है? इसके पहले मुख्तार गैंग के लगभग इस गैंग के लोगों पे 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू।